नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टैबलेट सिप्लेक्टिन के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, सिप्लेक्टिन टैबलेट को सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी एक पत्ते में 15 गोली आती है। इसकी कीमत लगभग 37 रुपये के पास आसपास होती है। इस टैबलेट में सैप्रोहेप्टाडिन नामक तत्व मिला रहता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं सिप्लेक्टिन टैबलेट के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सिप्लेक्टिन टैबलेट दवाओं के एक समूह से संबंधित है, जिसे एंटी हिस्टामाइन कहा जाता है। इसका उपयोग विभिन्न एलर्जी स्थितियों के उपचार में किया जाता है। ये खुजली, सूजन और चकत्तों जैसे लक्षणों से राहत देता है। इसका उपयोग भूख की हानि के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह एक प्रभावी भूख उत्तेजक यानी भूख बढ़ाने वाली दवा है। सिप्लेक्टिन टेबलेट को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, और डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधि में लेना बेहतर होता है। आपको इस दवा की आवश्यकता केवल उन दिनों में हो सकती है जब आपके पास लक्षण होते हों। या लक्षणों को रोकने के लिए आपको इसे हर दिन लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप सलाह से पहले इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं। यह दवा आमतौर पर बहुत ही असुरक्षित मानी गई है। इस दवा के कुछ मात्रा में चक्कर आ सकते हैं, इसलिए ड्राइव न करें या ऐसा कुछ भी न करें जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। अगर यह बनी रहती है या आपको चिंता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। यह कुछ मामलों में सिर दर्द या भूख को बढ़ा सकता है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप लीवर या किडनी या आपके दिल में कोई समस्या है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। शराब पीने से बचना चाहिए क्योंकि यह इस दवा के साथ अत्यधिक उन्निंदापन का कारण बन सकता है। सिप्लेक्टिन टेबलेट मुख्य रूप से एलर्जी की स्थिति और भूख बढ़ाने में किया जाता है, यानी इसे खाने से भूख बढ़ती है। सिप्लेक्टिन टेबलेट के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, उनमें से यह है। जैसे इसको लेने से आपको चक्कर आ सकता है, सरदर्द हो सकता है और भूख में काफी वृद्धि हो सकती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिप्लेक्टिन टेबलेट का उपयोग किस प्रकार करना है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरी तरह से निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। सिप्लेक्टिन टेबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है, लेकिन इससे एक निश्चित समय पर लेना बेहतर होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिप्लेक्टिन टेबलेट किस प्रकार काम करता है। सिप्लेक्टिन टेबलेट एक एंटी हिस्टामाइनिक दवा है। यह कुछ रासायनिक दूतों की कार्रवाई को रोकता है जो सूजन, भीड़, खुजली और अन्य एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टैबलेट सिप्लेक्टिन के बारे में। जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को टैप कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।